भाई तुम 20 साल की उम्र में जब बिस्तरों में पड़े हुए हो ना, अंकल को देखो, 80-90 साल की उम्र में जो है कम से कम 20-25 राउंड जो है लगाते हैं डेली, तब तक दौड़ते हैं जब तक उनकी पूरी टी शर्ट गीली नहीं हो जाती पसीने से। तो ये हमारे लिए एक रियल इंस्पिरेशन है अंकल। कोई बता रहा था कि पेशे से डॉक्टर हैं अंकल, रोज जो है ग्राउंड में कम से कम 1 घंटा देते हैं और कई राउंड लगाते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। 25 मई 2024 का ये दिन, और जो है मध्य प्रदेश में इन दिनों जो है हीट वेव का दौर है, हाई अलर्ट पर है, रेड अलर्ट पर है, और 2-3 राउंड लगाने के बाद सूरत हाल कुछ ऐसा है कि पसीना जो है बॉडी के हर पार्ट से जो है निकल चुका है। गर्मी बहुत पड़ रही है, प्लीज़ अपना ध्यान रखें, इलेक्ट्रोल लेते रहें बीच बीच में जब भी आप एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करें, डिहाइड्रेशन का शिकार नहीं होना है। फिलहाल हम मौजूद हैं ग्राउंड पर और सुबह के 7 ही बजे जो है 6:30-7 बजे का समय हो रहा है, और तापमान जो है ऐसा हो रहा है कि जैसे 9-10 बजे हो जाता है ठंड के दिनों में। तो अभी जो है हम भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, 2-3 राउंड लगा लिए हैं, अब सेटअप्स लगा रहे हैं, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ अपना सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा इन 4-5 दिनों में, जब तापमान अपने पीक पॉइंट पर होगा। पानी की कमी की पूर्ति करती रहना शरीर में, हाँ इलेक्ट्रोल वगैरह ज़रूर लेते रहना, और फल सब्जियाँ अच्छे लेते रहना। हाँ, समय पर रात में खाना खाना है 8 बजे के बाद, मैक्सिमम प्रयास करना कि 8 बजे के बाद आप कुछ भी ना खाएं डिनर में, क्योंकि फिर उसे डाइजेस्ट करना जो है मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। तो अगर आप रात में 11-12 बजे तक भोजन करते हैं तो फिर ये आपके लिए विष का काम करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि देर रात भोजन ना करें, मॉर्निंग में भी 10-11 बजे तक लंच जो है ले लें अपना। फिलहाल मेहनत जारी है, आप भी मेहनत जारी रखिए, सफलता ज़रूर आपके कदम चूमेगी। भाई यहाँ पर जो है रिलैक्स एक्सरसाइज चल रही है, एक दूसरे के पैर उठा उठा के जो है पैरों को जो है रिलैक्स किया जा रहा है, और इस तरफ जो है हमारा फुटबॉल चल रहा है। रोज़ की यही एक्टिविटी होती है, और लगभग 7-7:30 बजे तक जो है सारे हमारे धावक जो है थक हार कर बैठ जाते हैं रिलैक्स करने के लिए। तो इस ब्लॉक को जो है आज यही समाप्त करते हैं, प्रेरणा लो इस ग्राउंड से, क्योंकि बिना ग्राउंड आए काम नहीं बनने वाला है। और जो घर में बैठ के पूर्वानुमान लगा रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इतने नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, आपको खुद जाके अपने आप को जो है एवेल्युएट करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, नई इंस्पिरेशन के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।